तो मेरे को ये बात बहुत अच्छी समझ में आई, बहुत ठीक लगी कि हम गलतियों से नहीं सीखते हैं। हम सीखते हैं तो सही का कोई मॉडल उपलब्ध होता है, सही अपने बीच में धारा के रूप में बहता हुआ उपलब्ध होता है। मकान धारा के रूप में बहता हुआ उपलब्ध था तो पहली पीढ़ी ने अगली पीढ़ी से बेहतर मकान बनाया। गाड़ी बहती हुई थी, पहली से अच्छी गाड़ी बनाई, अच्छा मकान बनाया, अच्छे कपड़े बनाए, अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, अच्छे कैमरे बनाए, सब कुछ अच्छा बनाया, जो पहले से था उससे अच्छा बना दिया। लेकिन जो था ही नहीं, इसलिए पहले झगड़े करने का तरीका अलग था। अभी हो सकता है इंग्लिश में लड़ते हैं, हो सकता है कोई फ्रेंच में लड़ेगा, हो सकता है कोई हिंदी में गाली देगा, कोई हो सकता है गुजराती में देगा, झगड़ा वही है। तो एक तो इस बात पे ध्यान गया। तो दोस्तों, ये पूरा वर्कशॉप, ये पूरे 8 दिन की कहानी अपनी ही जिंदगी को तलाशने की कहानी है, अपनी ही जिंदगी की तलाश है। 2-3 बातें कहना चाहूँगा, फिर मैं बात को शुरू करूँगा। एक तो ये कि अभी व्यक्ति के रूप में मैंने अपने आप को नहीं पहचाना है। मैंने किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी का बेटा, है ना, मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर, है ना, मैं ये, मैं वो, इसमें से मैं मिसिंग है, बाकी सब अटैचमेंट है। मैं कह पाया? जब मैं शिविर में कुछ भी बोलूंगा तो आपका ध्यान दूसरे पे जाएगा। हाँ, मेरी पत्नी को ये समझने की जरूरत है, धीरे से मैं उसकी तरफ देखूंगा। तुमको समझ में आए, तुम्हारे लिए था। और इस तरह 8 दिन मेरा समय भी खराब होगा, आपका समय भी खराब होगा। तो यहां जितने लोग पति पत्नी सहित आए हैं और जितने लोग नहीं भी आए हैं, उनकी मेमोरी में उनकी पत्नियां और पति और उनके मित्र और उनके पार्टनर मौजूद हैं। तो कृपया करके, यदि आप, हालांकि इस शिविर की शुरुआत यहां से होती है कि जो कुछ भी कहा जाएगा उसको आपको मानना नहीं है, है ना। मैं पहला सेंटेंस जो बोर्ड पे लिखने वाला हूं वो ये है कि जो कुछ भी 8 दिन में कहा जाएगा उसको आपको मानना नहीं है। क्योंकि मानने से हम फॉलोअर होते हैं कि डूअर होते हैं? हम फॉलोअर होते हैं। हमको फॉलोअर होना है कि डूअर होना है? तो मानने से काम चलेगा कि जानने से काम चलेगा? तो जानने से काम चलेगा। यदि सही होगा तो टिक जाएगा, सही नहीं होगा तो नहीं टिकेगा। तो हम चर्चा सारी इस तरह से करेंगे। तो मैं ये सारा केवल ये याद दिलाने के लिए कह रहा हूँ कि जब भी कुछ कहा जाए, अभी संबंधों का, जिनके साथ हमने सुख पाया, जिनके साथ हमने दुख पाया, उसका प्रभाव इतना गहरा हमारी ज़िंदगी पे है कि मैं अपने आप में अकेले में कोई चीज़ हूँ ऐसा मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ। जैसे अभी यहाँ आने के पहले मैं एक शिविर में था, छोटे बच्चे थे, तो मैं उनसे बात कर रहा था कि देखो, हर्ट कहाँ पे है? यहाँ पे है। किडनी कहाँ पे है? यहाँ पे है। यदि हर्ट में कोई प्रॉब्लम होगा तो डॉक्टर क्या करता है? जिसको हर्ट का स्पेशलिस्ट है वो यहाँ से खोल लेता है और जो भी उसमें कमी है, जैसे कार का बोनट खोला और उसमें से जो कमी है ठीक कर दिया, बोनट बंद कर दिया, तो ऐसे ही वो भी बोनट खोल देता है और जो कमी है उसको ठीक कर देता है, बंद कर देता है। तो उसको पता है दिल यहाँ पे है, उसको पता है किडनी यहाँ पे है, उसको पता है लीवर यहाँ पे है, मन कहाँ पे है? मन कहाँ पे है? मेरा मन ठीक नहीं है, मेरे को बोर लग रहा है, जिंदगी बेकार लग रही है। तो ये मन होता कहाँ पे है? जब इसका यही पता नहीं कि ये होता कहाँ पे है तो इसको हैंडल कैसे करूं? और मेरा मन क्यों खराब है? मेरा हर्ट क्यों खराब है? क्योंकि उसमें ब्लॉकेज हो गया है। ब्लॉकेज क्यों हो गया है? क्योंकि उसमें कोई टेंडेंसी है, जो हो सकता है जेनेटिक्स हो, जो हो सकता है जहरीली सब्जियां खाने की वजह से हो, कोई और कारण से हो। तो कुल मिला के अभी प्रॉब्लम मेरे अंदर है, मेरा किडनी खराब है। अब मेरा मन खराब है, मेरा मन क्यों खराब है? है? हाँ, तो मेरा मन सांस की वजह से खराब है। किडनी क्यों खराब है? किडनी में प्रॉब्लम है। मन क्यों खराब है? सांस में प्रॉब्लम है।
अब ये और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। कम से कम दिल खराब था तो दिल के साथ कुछ कर सकते थे, एक ही प्रॉब्लम है। अब मन खराब है तो इसको कुछ नहीं करना है, सांस को ऑपरेट करना है। अब सांस कहती है प्रॉब्लम मेरी नहीं है, ये इसकी है। तो अब ये प्रॉब्लम ना तो मन का पता है कि ये है कहां, और यदि इसमें प्रॉब्लम है तो किसी दूसरे के कारण है, वो भाजपा के कारण है, कांग्रेस के कारण है ना, मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर के कारण है, मेरी वाइफ के कारण है, मेरे बच्चे के कारण है। अब किसको ठीक करें? तो ऐसी हमारी कहानी है। तो जब तक ये पता ना चले कि ये मन नाम की चीज है कहाँ, तो इसको हैंडल भी कैसे किया जाए। हम ये मानते ही हैं कि और भी प्लैनेट हैं जहाँ मानव रहता होगा, तो इस पे एक टाइप की क्लास चलती होगी, ऐसा मानने में भी क्या दिक्कत। तो दोस्तों, एक तो ये कहना चाहता हूँ कि इस शिविर में आप अपने आप को एक इंडिविजुअल के रूप में स्वीकार सकें, एक इंडिविजुअल के रूप में सुन सकें, एक इंडिविजुअल के रूप में ऑब्जर्वेशन ले सकें और एक इंडिविजुअल के रूप में कंक्लूजन ले सकें, तो ये शिविर सफल होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी अभी तक की जिंदगी एक तरफ और ये 8 दिन एक तरफ। यदि 8 दिन भारी नहीं पड़े, या 8 दिन की उपलब्धियां अभी तक की जिंदगी की उपलब्धियों से अधिक आपको महसूस होंगी, इसकी संभावना 99.9% है। लेकिन लिसनिंग दे पाए आप, तो आपकी लिसनिंग देने की तैयारी हो, तो मैं कुछ कहता रहूं आप कुछ और सोचते रहें, और शुरू के 2 दिन लिसनिंग थोड़ा सा आप प्रयास पूर्वक दे दीजिए, उसके बाद लिसनिंग मैं आपकी ले लूंगा। शुरू के 2 दिन थोड़ा सा, क्योंकि आप पीछे से किस बैकग्राउंड से आते हैं, घर में क्या क्या झटके खा के आए हैं और जिंदगी में क्या क्या झटके खा के आए हैं, उसका निशान, उसकी लहर हमारे अंदर बनी रहती है। तो थोड़ा सा ये 8 दिन मेरे लिए हैं, ये 8 दिन मेरी अपनी जिंदगी के लिए हैं। लेकिन जब जिंदगी को थोड़ा सा बर्ड व्यू से नहीं देखते हैं, थोड़ा डिस्टेंस पे हट के नहीं देखते हैं, घटनाओं के साथ और चीज़ों के साथ बहुत जुड़ के देखते हैं, तो लगातार उसका शौक या लगातार उसकी खुशी, उसको इवैल्यूएट करने की ताकत हमारी नहीं बनती है। तो मेरा आपसे बहुत विनम्र अनुरोध है, तो एक आदमी यदि ठीक से तैयार नहीं हुआ तो क्या होगा? एक आदमी ठीक से तैयार नहीं होगा तो उसको कौन कौन भुगतेगा? उसकी बीवी भुगतेगी, उसके बच्चे भुगतेंगे, है ना, समाज भुगतेगा, नेचर भुगतेगा। एक आदमी ठीक से तैयार नहीं हुआ तो उसकी कीमत पूरी कायनात चुकाती है, और एक आदमी ठीक से तैयार हो गया तो पूरी कायनात खुशी मनाती है। तो दोस्तों, मानव की कहानी जिस तरह की है, उस तरह की कहानी में जिस तरह का उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिस तरह से उसको नर्चर करने की आवश्यकता है, जिस तरह से एक मानव को तैयार होने में परिवार और समाज की भूमिका होने की जरूरत है, उसकी चर्चा इन 8 दिनों में हम करेंगे। लेकिन मेरा फिर से आपसे विनम्र अनुरोध है, इन 8 दिनों में आप अपने आप को एक व्यक्ति के रूप में देखें, एक सास के रूप में, पति के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में, पहले व्यक्ति के रूप में देख सकें। मैं जब भी कुछ कहूं आपसे तो सीधा सीधा आप सुन सकें, आप दूसरे के लिए ना सुने, दूसरे को ठीक करने के लिए आपका ध्यान आपके मन में दूसरे को ठीक करने के लिए ना बना रहे, ये उसके लिए कहा जा रहा है, मैं तो ठीक ही हूं। सुनने का तरीका कैसा रहता है पता है? जब भी कुछ कहा जाता है ना, तो उसके पॉजिटिव पार्ट को निकाल के अपने पॉजिटिव पार्ट से जोड़ के ये सिद्ध करना कि मैं तो इस मामले में ठीक हूं, और कौन कौन ठीक नहीं है ऐसा उसको देखना। तो इससे अहंकार बढ़ सकता है, इससे कुछ ठीक होने की स्थिति नहीं आती। एक दो बातें और कह दूं फिर हम ब्रेक करते हैं। हम बहुत सारे धर्म और फिलॉसफी से ऑलरेडी जुड़े हुए होते हैं। इस पूरी चर्चा में, ये पूरी चर्चा शुद्ध रूप से एजुकेशन है। इसमें ना आपका गुरुजी बदलना है, ना आपकी पूजा पाठ की पद्धति बदलनी है,
है ना, ना कपड़े बदलने हैं, ना खान पान बदलना है। तो जो आपके गुरुजी हैं, पूजा पाठ है, जैसा है वैसा चलता रहे, उन सबका सम्मान है। और सबने एक ही बात कही है कि खुद को ठीक से पहचान सकें, अपनों के साथ ठीक से जी सकें और ये संसार बेहतर जीने की जगह हो सके। तो मेरा ये कहना है कि थियरीज को आपस में कंपेयर करने की गलती ना करें। जैसे कोई मान लीजिए ओशो को पढ़ के आया है, अब जब भी मैं कुछ कहूंगा तो आप ओशो से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप ए नागराज जी और ओशो दो लोगों को कंपेयर कर रहे हैं। ना हमने ओशो ने जो कहा उसकी अल्टीमेट स्थिति को पा लिया, ना हमने अभी इस दर्शन में जो अल्टीमेट स्थिति है उसको पा लिया। तो ये कंपैरिजन से निकलता कुछ नहीं है, कभी अपने अहंकार का ही पोषण होता है कि हाँ इन्होंने ठीक कहा, इन्होंने ठीक नहीं कहा है, जबकि आपकी जिंदगी ठीक नहीं चल रही है। तो हम दो महापुरुषों का फैसला करने ना जाएं। हाँ, मेरी जिंदगी में मैं जहां खड़ा हूं उससे बेहतर कोई चीज को मैं, बेहतर किसी स्थिति को मैं पा सकता हूं, तो ये कंपैरिजन से कैसे बचें, एक तो ये कहने की कोशिश की, व्यक्ति के रूप में सुन पाएं ये कहने की कोशिश की, गलतियों से नहीं सीखते हैं ये कहने की कोशिश की, जिसकी परंपरा हो जाती है उसको आदमी शोधपूर्वक पा लेता है ये कहने की कोशिश की, जो कुछ कहा जाएगा उसको मानना नहीं है, हमको चीज़ों को जानना है, जानने के लिए जांचना है, उसका प्रोसेस मैं ब्रेक के बाद आपके सामने रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।